Residents call to demolish haunted houses in Jeddah, Saudi Arabia. Saudi Arabia mein haunted houses ka concept koi nahi baat nahi hai. In fact, Jeddah mein bahut sari aurtein haunted houses ke bare mein baat karti hai. Aur wahan par ghar lene se pehle ये चीज़ एक बहुत ही अहम रोल अदा करती है कि क्या हमें घर लेना है या नहीं. सिंस मैं सऊदी अरेबिया में रहने गया तो मेरी वाइफ मुझे घर बदलने से मना कर रही थी कि नहीं, शायद नया घर हॉन्टेड हुआ तो. अगर आप पुराने इलाकों में रहते हैं, अगर आप जद्दा के पुराने इलाकों में रहते हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि कुछ पुरानी बिल्डिंग जो बंद है और उस बिल्डिंग में कोई भी रहने को तैयार नहीं, कोई भी वहाँ फ्लैट नहीं ख़रीदता, कोई भी फ्लैट रेंट पर नहीं लेता. अजीज़ा जद्दा इलाके में दो पार्क हैं जो कि सऊदी अथॉरिटीज़ ने बंद करवा दिए हैं क्योंकि वहाँ के रेसिडेंट्स ने उन जगहों के बारे में कुछ हॉन्टेड वाक़यात बताए थे. उनमें से एक का नाम तेहामा पार्क है और दूसरा पार्क पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल उर्दू सेक्शन के सामने मौजूद है. लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं और कोई भी वहाँ करीब नहीं जाता रात के दौरान. इवन लोग अपनी गाड़ियाँ भी वहाँ पार्क नहीं करते. कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ 16 लोग उस घर में दाखिल हुए थे जिनमें से एक भी बाहर नहीं आया और आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ था. जद्दा के रहने वालों ने ये डिमांड की इन घरों को डिमोलिश कर देना चाहिए क्योंकि ये क्रिमिनल के लिए बहुत ही अच्छी जगह है क्राइम करने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह पर वो बिना कोई खौफ आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस भी इतनी जरूरत नहीं रखती कि वो इन बिल्डिंग्स में जा सके. क्योंकि एक शख्स ने वहाँ सुबह नमाज के बाद काफ़ी सारे शराबियों को उस बिल्डिंग से निकलते हुए देखा है जो कि वहाँ पर बड़े बिला खौफ जाया करते हैं. एक और रेसिडेंट का कहना है कि अगर आप उस बिल्डिंग के पास से गुजरेंगे तो आपको शराब और नारकोटिक्स की स्मेल आएगी. इस तरह की बिल्डिंगें जद्दा के पॉपुलेटेड एरियाज़ के लिए एक सीरियस ख़तरा है. मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सीरियस कोई एक्शन लेना चाहिए और इन प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश कर देना चाहिए.